दुनिया में एक ऐसा रहस्यमय जंगल भी है जिसमें चलने वाले पेड़ों के साथ साथ जीव जंतुओं के मांस खाने वाले पेड़ पौधे भी पनपते हैं, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल भी कहा जाता है, जिसका नाम अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, जो ब्राजील से लेकर कोलंबिया, पेरू और साउथ अमेरिका जैसे देशों तक फैला हुआ है। ये जंगल जितना विशाल है उतना ही अपने अंदर रहस्यों को समेटे हुए है। आज हम आपको अमेजोन जंगल की कुछ खास और रहस्यमयी बातों को बताने जा रहे हैं, जिसे जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वॉकिंग ट्री। वैसे तो अमेजोन के जंगल में पेड़ पौधों की कई प्रजातियां हैं जिनका इस्तेमाल जड़ी बूटियां बनाने में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं अमेजोन के घने जंगलों में पेड़ पौधों की एक ऐसी प्रजाति है जो चलने फिरने के लिए मशहूर है। जी हां, आपने सही सुना, लेकिन दुनिया के सबसे रहस्यमय जंगल में ऐसे चलने वाले पेड़ पौधे हकीकत में हैं, जिन्हें वॉकिंग ट्री के नाम से जाना जाता है। असल में ये पाम ट्री होते हैं। इनकी जगह हर 4 से 6 महीने में बदलती रहती है। वैज्ञानिक इन चलने वाले पेड़ों के ऊपर सालों से रिसर्च करते रहे, जिनके बाद उनको चौंकाने वाले तत्वों के बारे में पता चला। दरअसल ये पाम ट्री सूरज की रोशनी की दिशा में बढ़ते हैं, जिन्हें आप 4 से 6 महीने बाद देखेंगे तो इनकी जगह बदली नजर आएगी, और इसी के कारण इन्हें वॉकिंग ट्री भी कहा जाता है। उबलने वाली नदी। इतने बड़े अमेजोन जंगल में नदी, झील, झरनों का होना तो एक आम बात है, जिसकी मदद से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन अगर किसी नदी का पानी उबलने वाले पानी के तापमान पर पहुंच जाए तो उसे पीना तो दूर, उसके पास ही जाने में जानवरों को डर लगेगा। ऐसे ही एक खतरनाक नदी अमेजोन के जंगल में बहती है, जिसे बोइंग रिवर के नाम से जाना जाता है, और इस नदी का तापमान 70 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, जो इतना गर्म है कि पानी आसानी से उबलने लगता है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो इस नदी के नीचे सक्रिय ज्वालामुखी भी हो सकता है, जिसकी वजह से पानी इतना गर्म रहता है। खैर, वजह चाहे जो भी कुछ हो, इस उबलती हुई नदी में कोई भी जीव जंतु ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। मांस खाने वाले फूल और पौधे। अमेजोन के रहस्यमयी जंगल में सिर्फ चलने फिरने वाले पेड़ नहीं पाए जाते, बल्कि इस खतरनाक जंगल में मांस खाने वाले फूल और पौधे भी ज्यादा पनपते हैं। ये मांस खाने वाले पेड़ पौधे इंसानों का मांस नहीं खाते, लेकिन ये कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। इन मांसाहारी फूलों में राफ्लेसिया अर्नोडी का नाम शामिल है, जो कि एक लाल रंग का बहुत ही बड़ा फूल होता है। ये फूल अमेजोन के जंगल में कुछ सीमित जगहों पर ही खिलते हैं, और ये साल में कुछ समय के लिए ही खिलता है, और इस फूल के पत्ते बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, जबकि इसके सेंटर में एक बड़ा होल होता है। जब ये फूल खिलते हैं तो इसमें से बहुत ही सुंदर खुशबू निकलती है, जबकि इसका आकर्षक रंग पास के कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे ही कीड़े मकोड़े इस फूल के अंदर इसके पत्ते पे आते हैं, ये अपना पत्ता बंद कर देता है और इनको अपना भोजन बना लेता है। रहस्यमय जानवर। अमेजोन के जंगल में रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने पेड़ के पीछे एक ऐसा अजीब जानवर दिखाई दिया था, जिसकी शरीर आधी इंसान और आधी जानवर की थी। उस जानवर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कि कोई मानव अपने दोनों पैरों पर खड़ा है, और जिसके शरीर पे बहुत ही घने बाल थे। इस जीव को वैज्ञानिकों ने मारी कोक्सी नाम दिया, जो इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था। दोस्तों, आज की थी हमारी ये वीडियो। मैं आशा करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।